now here they have said cash basis. तो क्वेश्चन में आप देखिए, यहाँ पे आपको बोला है कैश रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्ट से, कस्टमर से हमें कैश मिला है 1,30,000। अच्छा मैंने आपको अभी बताया जो भी वर्क सर्टिफाइड होगा उसका कुछ परसेंटेज कैश मिलेगा। वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 1,43,000 और कैश रिसीव्ड है आपका 1,30,000। तो नाउ यू कैन सी हियर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से ट्रांसफर करेंगे। तो आपका जो नोशनल प्रॉफिट है 18, पहले तो आपको लेना है नोशनल प्रॉफिट जो भी दिया है उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, जो क्वेश्चन में दिया है 2/3 प्रॉफिट ले जाना है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, कैश रिसीव्ड एंड दिस विल बी डिवाइडेड बाय, दिस कैश रिसीव्ड विल बी डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड से डिवाइड करोगे। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, नोशनल प्रॉफिट 18,150 जो हमने फाइंड किया, 2/3 इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, कैश रिसीव्ड इज 1,30,000 गिवन इन द क्वेश्चन एंड 1,43,000 वर्क सर्टिफाइड। इसको सॉल्व करने से जो अमाउंट आएगा दैट अमाउंट वी विल ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो द अमाउंट इज कमिंग 11,000, यू कैन चेक। इसका मतलब ये हुआ, सो द रिमेनिंग अमाउंट इज केप्ट एज अ रिजर्व आउट ऑफ 18,150 नोशनल प्रॉफिट, 11,000 इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज कैलकुलेटेड कीपिंग इन माइंड कैश रिसीव्ड एज ए 100% ऑफ द वर्क सर्टिफाइड। So 11,000 we will transfer to the profit and loss account and the remaining balance amount will be kept as a reserve. So थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कैश रेशियो एंड रिजर्व रेशियो, रिटेंशन रेशियो। तो ये 11,000 जो है वो कैश रेशियो में चला गया और जो 7,150 है वो रिजर्व रेशियो में चला जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। यहाँ पे एक छोटा सा सिंपल वाला क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ एनी डाउट इन दिस एक्सरसाइज प्लीज बिफोर वी मूव फर्दर, आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? अब ये जो नोशनल प्रॉफिट है उस नोशनल प्रॉफिट का कितना परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना, उसके रूल्स है, कुछ रूल्स है, तो वो रूल्स अभी देख लेते हैं। अब मैं वो जो थियोरेटिकल पोर्शन जो बाकी रखा था उसके ऊपर फिर से जा रहा हूं। सी द टाइटल, पोर्सन ऑफ नोशनल प्रॉफिट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप जो नोशनल प्रॉफिट, अच्छा नोशनल प्रॉफिट क्या है, जब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो बेस्ड ऑन वर्क सर्टिफाइड वी कैलकुलेट द नोशनल प्रॉफिट। तो वो जो नोशनल प्रॉफिट आएगा उसका कुछ परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो कितना ट्रांसफर करना है उसके रूल्स। सो द पोर्शन ऑफ नोशनल और एस्टिमेटेड प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। कितना काम कंप्लीट हुआ है उसके हिसाब से डिसाइड होगा।
That is the ratio of work certified to the total contract work. For this purpose, work in progress uncertified is not considered. Uncertified work को नहीं ध्यान में लेना है, खाली work certified ध्यान में लिखना है. Prudence requires that the total notional profit should not be transferred to the profit and loss account, but a portion of it should be withheld as a reserve to meet any unforeseen future expenses or contingencies. कस्टमर क्या करेगा, जो भी वर्क सर्टिफाइड होगा उसका कुछ हिस्सा ही आपको देगा, बाकी का हिस्सा अपने पास रखेगा, क्योंकि बाद में पीछे से कोई डिफेक्ट निकल गया, कोई काम बराबर नहीं हुआ, तो वो जो अमाउंट आपने नहीं दिया है तो उसमें से आप कट कर सकते हो, या तो उसको बोल सकते हो कंप्लीट करके दो, बाद में हम सारा पेमेंट करेंगे. अब उसके रूल्स देखते हैं. देर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स इन दिस रिगार्ड, हाउएवर द फॉलोइंग जनरल रूल्स आर फॉलोड. देखो कितना काम कंप्लीट हुआ है उसके हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट का, नोशनल प्रॉफिट का. फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द वर्क प्रोग्रेस सर्टिफाइड, दैट इज वर्क सर्टिफाइड इज 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसका 1/4 मतलब 25%, नो प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ ट्रांसफर नहीं करेगा अगर 25% तक है तो. ये सारे कैलकुलेशन वर्क सर्टिफाइड के ऊपर होगा. सेकंड, व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज वन फोर्थ और मोर बट लेस देन 1/2 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब 25% से ज्यादा बट 50% से कम, इन बिटवीन 25 and 50, तो 1/3 अमाउंट ऑफ द नोशनल प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये दूसरा रूल है. थर्ड पॉइंट, व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज 1/2 और मोर बट लेस देन 9/10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मतलब 50% से ज्यादा काम हो चुका है बट 90% से कम है, इन बिटवीन दिस टू 50 and 90, तो नोशनल प्रॉफिट का 2/3 अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया था अगर आपने देखा हो तो. ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिया था हमने, नोशनल प्रॉफिट लिया था इनटू 2/3 किया था, कैश रिसीव्ड लिया था 1,30,000 जो भी लिया था, एंड वर्क सर्टिफाइड 1,43,000 हमने इस तरीके से किया था, वहां रेडीमेड दे दिया था. अगर नहीं दिया होता तो हमें पहले परसेंटेज फाइंड करने पड़ते कि कितना परसेंटेज वर्क काम कंप्लीट हुआ है, और उसके हिसाब से फिर हम ट्रांसफर करते. एंड द लास्ट रूल इज व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज नियर टू कंप्लीट, मतलब मोर देन 90% वर्क इज डन, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में किस तरीके से अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट वर्क सर्टिफाइड डिवाइडेड बाई कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये सारे रूल्स है उसके, जब आएगा तब हम कंसिडर करेंगे. एक और एक्सरसाइज देख लेते हैं, इसमें आपको दो ही एक्सरसाइज करने, ज्यादा नहीं करना है क्योंकि यूनिट नंबर 3 आपका बहुत बड़ा है, जस्ट बेसिक आइडिया मुझे आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का देना था. सी दिस प्रॉब्लम नंबर 3. अब यहां पे दो कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, मोर देन 1 कॉन्ट्रैक्ट. एस लिमिटेड फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट ऑन 31 मार्च 2016. कॉन्ट्रैक्ट ए और कॉन्ट्रैक्ट बी का इंफॉर्मेशन है, तो दो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना सकते हो, या तो कॉल्यूमिनर फॉर्म में बना सकते हो आप. वर्क सर्टिफाइड दिया है दोनों का, कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस डिसाइड थी दोनों की 2,40,000 और 1,50,000. वर्क सर्टिफाइड तब आता है जब वर्क इन प्रोग्रेस हो, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब वर्क सर्टिफाइड आएगा.
estimated cost of completion of contract, cash received बताया हुआ है जो work certified के हिसाब से मिला होगा, uncertified work भी दिया हुआ है, cost of contract that is expenditure incurred up to 31 March, मतलब यहाँ सारे expense एक साथ दे दिए हैं, material ये का, labor का अलग अलग नहीं दिया है, सब एक्सपेंस एक साथ दे दिए दोनों कॉन्ट्रैक्ट के, क्योंकि यहाँ पर्पस क्या है कि कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना वो हमें देखना है जरा, बाकी एक्सपेंडिचर देंगे तो आप डेबिट साइड लिखोगे ही। ओके, कैलकुलेट अ प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ओके, सबसे पहले आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दोगे, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 127 अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, 16 होना चाहिए, यहाँ पे 15 लिखा हुआ है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ओके, अब यहाँ पे देखो दो कॉन्ट्रैक्ट है इसलिए अमाउंट के कॉलम को दो हिस्से में डिवाइड कर देना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट की जगह पे आप क्या लिखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट ए अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट बी अमाउंट, पर्टिकुलर्स कॉन्ट्रैक्ट ए अमाउंट, कॉन्ट्रैक्ट बी अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट, इसको कॉल्यूमनर अकाउंट बोलते हैं। आप दो अलग अलग भी बना सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट ए का अलग, कॉन्ट्रैक्ट बी का अलग, या तो आप इस तरीके से कॉल्यूमनर फॉर्म में ले सकते हो। इससे फायदा क्या होगा कि बार बार ही सारी चीजें लिखनी नहीं पड़ेगी, अगर दो अलग अलग बनाते हो तो ये सारी चीजें बार बार लिखनी पड़ेगी। चलो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो भी एक्सपेंडिचर दिए है वो ले लेने हैं, तो क्वेश्चन में हमको लास्ट में यहाँ पे दिया है सारा एक्सपेंडिचर दे दिया है, अलग अलग नहीं दिया मटेरियल का या ऐसा कुछ अलग अलग आपको नहीं बताया, तो ये 180 और 95 डेबिट साइड पे लिख देंगे हम, टू कॉस्ट टू कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए हमने यहाँ पे बता दिया। तो पहले आपने कॉस्ट लिख दिया। ओके, फिर इस क्वेश्चन में आप देखो वर्क सर्टिफाइड आपको दिया हुआ है ए रहा 2,16,000 एंड 1,00,000, तो जो भी वर्क सर्टिफाइड दिया होगा वो हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। अभी एक क्वेश्चन आपने देखा है तो वर्क सर्टिफाइड क्रेडिट साइड पे आप बता दोगे। तो ऊपर से मैं सारी इंफॉर्मेशन ले रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से इसको हम बताए। वर्क अनसर्टिफाइड आपको यहां दिया है 10,000 एंड 7,000। देखो वर्क अनसर्टिफाइड लिखना है पर उसके हिसाब से पेमेंट नहीं मिलेगा, पेमेंट हमें वर्क सर्टिफाइड के हिसाब से मिलेगा, तो 10,000 एंड 7,000 ऑल्सो वी हैव टू शो। पेमेंट के लिए वर्क सर्टिफाइड देखा जाएगा, जो भी हमें कैश मिलेगा वर्क सर्टिफाइड के हिसाब से मिलेगा, अनसर्टिफाइड वर्क के हिसाब से नहीं मिलेगा। एक कैश रिसीव्ड जो भी दिया होता है वो हमें वो कैलकुलेशन में काम में आएगा, और यहां पे एस्टिमेटेड कॉस्ट दिया है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने का एस्टिमेटेड कॉस्ट है, हमें एस्टिमेटेड नहीं लिखना है, हमें एक्चुअल लिखना है जो लास्ट कॉलम में दिया है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी आपको स्टार्टिंग में दिया है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस हमें वो प्रॉफिट के कैलकुलेशन में काम में आएगा, कैश रिसीव प्रॉफिट के कैलकुलेशन में काम में आएगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नहीं बताते। तो इतनी आइटम लिखने के बाद अगर हम टोटल करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल रहा है, पहले कॉन्ट्रैक्ट ए की बात करें तो 2,26,000, उसमें से 180 माइनस किया तो 48,600 जो आपको मिल रहा है वो आपका हो रहा है नोशनल प्रॉफिट। इन्होंने यहां अकाउंटिंग प्रॉफिट लिखा है, आप नोशनल प्रॉफिट भी लिख सकते हो। उसी तरीके से बी में, कॉन्ट्रैक्ट बी में क्रेडिट साइड का टोटल 1,07,000 है, 1,07,000 में से 95 माइनस करोगे तो 12,000 आपको मिलेगा
ये आपका नोशनल प्रॉफिट हो गया। इस नोशनल प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, इस नोशनल प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक क्रेडिट साइड के ऊपर, तो ये हम यहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ये हमने ट्रांसफर कर दिया। ओके, तो डेबिट साइड पे जो आपको अमाउंट मिली उसको आप क्रेडिट साइड पे लेके आए हो। अब हमें फाइंड करना है व्हाट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो नाउ प्रॉफिट अमाउंट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो नोशनल प्रॉफिट के ऊपर से हम कैलकुलेट करेंगे, एंड द बाकी का रहेगा वो रिजर्व होगा, इतना अमाउंट रिजर्व में रखा हुआ है। तो इसके लिए आपको देखना होगा कंप्लीशन का स्टेज। What amount of work has been completed? हम फिर से ऊपर जा रहे हैं और वंस अगेन आई एम शोइंग यू हाउ द अमाउंट इज कैलकुलेटेड। देखो पहला रूल क्या था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 25% कंप्लीट हुआ है तो नो प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर। 25 से 50% कंप्लीट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का तो 1/3, 50% से 90% के बीच में हुआ है तो 2/3, जो भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसके हिसाब से। 90% से ज्यादा है तो उसमें जो फॉर्मूलाज दिया है उसके हिसाब से हम करेंगे। नाउ लेट अस चेक हियर, सी इन द क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ए की बात कर रहा हूं। कॉन्ट्रैक्ट ए में आपको 2,40,000 दिया है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और वर्क सर्टिफाइड है 2,16,000। तो आप एक अंदाजा यहां पे लगा सकते हो कि दिस वर्क इज मोर देन 50%, या तो 50 to 90 के बीच में वर्क है। अमाउंट देख के ही पता चल जाता है, 2,40,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है और वर्क सर्टिफाइड हो चुका है 2,16,000 तक। इसका मतलब ये हुआ कि 50% से ज्यादा काम है। अब जब 50% से ज्यादा वर्क है तो डेफिनेटली वी विल ट्रांसफर टू 2/3, इसलिए 2/3 प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। कॉन्ट्रैक्ट बी के में भी आप देख लो, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से हमें डिसाइड करना है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1,50,000 है और वर्क सर्टिफाइड हो चुका है 1 लाख तक का, मतलब यहाँ पे भी 50% से ज्यादा है। 50% निकालोगे 1,50,000 का तो 75,000 आएगा, यहाँ पे तो वर्क सर्टिफाइड 1 लाख है, मतलब 50% से ज्यादा है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था अगर 50% से 90% के बीच में हो तो 2/3 अमाउंट ट्रांसफर करना है। स्क्रीन पे आप देख सकते हो रूल नंबर 3। तो अब हम 2/3 अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। चलो फॉर्मूला देख लेते हैं उसकी। फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताई थी, नोशनल प्रॉफिट या तो अकाउंटिंग प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड इनटू 2/3 प्रॉफिट। तो
कॉन्ट्रैक्ट ए में प्रॉफिट आया था 46,000, ये रहा 46,000 प्रॉफिट, जो हमने नोशनल प्रॉफिट फाइंड किया था वो, इनटू कैश रिसीट 1,60,000 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्क सर्टिफाइड 2,16,000 क्वेश्चन में दिया है, इनटू 2/3, तो 22,716 रुपये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। उसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बी में भी आप देख सकते हो, ये जो 12,000 प्रॉफिट आपका आया था उसका 2/3 बेस्ड ऑन द कैश रिसीव्ड, 80,000 कैश रिसीव्ड एंड 1,00,000 वर्क सर्टिफाइड क्वेश्चन में दिया है, ये रहा 80,000 कैश रिसीव्ड है, वर्क सर्टिफाइड 1,00,000 है, तो यहाँ पे 6,400 रुपया हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी का जो अमाउंट होगा वो रिजर्व के, दिस इज द बैलेंसिंग अमाउंट, जो रिजर्व में हम ट्रांसफर करेंगे, दैट मींस दिस अमाउंट विल बी कैप्ट एज अ रिजर्व बाय द कॉन्ट्रैक्टी, कस्टमर रिजर्व में रखेगा, अभी वो पेमेंट नहीं किया। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर आप मुझे पूछ सकते हो। इन क्वेश्चन नंबर 3, डू यू हैव एनी डाउट प्लीज। नो सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, इसमें कुछ ज्यादा नहीं, सिंपल है, अभी देखा उसी तरीके से है। एग्जाम के लिए आपको ये 3 क्वेश्चन ही देखने हैं, ज्यादा से तो फर्स्ट क्वेश्चन के ही चांसेस है। सिंप्लेक्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड अग्रीड टू टेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज On 1st July 2017, the contract price is 5 lakh. The company gives the information of expenses, material 1 lakh, debit side लिखेंगे, wages debit side लिखेंगे, direct expense debit side लिखेंगे, plant purchase 1st July को 1 lakh, material in hand 31st December 2017, closing date है 5,000, credit side पे लिखेंगे 5,000 को। प्लांट के लिए जो इंफॉर्मेशन दी है वो डेप्रिसिएशन में यूजफुल होगी। अगर प्लांट का क्लोजिंग वैल्यू भी दिया होता तो इसको हम 1 लाख को डेबिट साइड पे लिखते हैं और क्लोजिंग वैल्यू को क्रेडिट साइड पर लिखते हैं, यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला है डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10%, तो 1 लाख का 10% हम निकालेंगे। चार्जेस अदर वर्क एक्सपेंस 20% और वेजेस, वेजेस का 20% ले लेंगे, 4,000 रुपये आएगा, वो वर्क एक्सपेंस है। ऑफिस एक्सपेंस 10% ऑफ वर्क कॉस्ट बोला है, देखो वर्क कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट जो हमने कॉस्ट शीट में पढ़ा था, तो यहाँ फैक्ट्री कॉस्ट का 10% लेना पड़ेगा, जो एक कैलकुलेशन होगा। द अमाउंट सर्टिफाइड बाय द कॉन्ट्रैक्टी, दैट इज द आर्किटेक्ट, वॉज ₹3 लाख, 3 लाख का काम सर्टिफाइड हुआ है, तो ये वर्क सर्टिफाइड है। रिटेंशन मनी बीइंग 20% ऑफ द सर्टिफाइड वैल्यू, मतलब 3 लाख का 20% रिटेन करेगा वो, तो बाकी का 80% का पेमेंट करेगा, तो 3 लाख का 80% 2,40,000 कैश रिसीव होगा, इनडायरेक्टली बोला है। वर्क सर्टिफाइड 3 लाख, उसमें से 20% रिटेन करेगा कस्टमर कॉन्ट्रैक्टी, तो बाकी का 80% कैश रिसीव होगा कॉन्ट्रैक्टर को, तो 80% डायरेक्टली निकाल दो, 2,40,000, दैट इज द कैश रिसीव्ड, एंड दैट कैश रिसीव्ड विल बी यूजफुल इन कैलकुलेटिंग द अमाउंट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं।
मटेरियल कंज्यूम, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, फर्स्ट थ्री आइटम्स जो आपको यहाँ पे दिया है वो तो आप इजीली समझ सकते हो, 1,10,40 and 20 जो क्वेश्चन में दिया है, 1,10,000, 40 and 20, ये तो हमें इजीली पता चल सकता है कि डेबिट साइड लिखना है। अच्छा, प्लांट जो दिया है 1,00,000, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन निकालेंगे 10% से, तो 1,00,000 का 10% होगा 10,000। अब डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड कीपिंग इन माइंड द ड्यूरेशन। तो हमारे प्लांट का ड्यूरेशन देखो, स्टार्ट किया था 1 जुलाई को और एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, तो जुलाई से दिसंबर 6 महीना, तो डेप्रिसिएशन खाली 6 महीने का लगेगा, तो डेप्रिसिएशन ऑफ 6 मंथ इज गिवन 5,000। 1,00,000 का 10%, 1,00,000 का 10% तो होगा 10,000, और 6 महीने के कर लिए करना है तो 6/12 तो हो जाएगा 5,000, तो 5,000 रुपया डेप्रिसिएशन। और हमें बताया है अदर वर्क एक्सपेंस आर 20% ऑफ वेजेस, जो वेजेस है 40,000 उसका 20%, तो 8,000 रुपया अदर वर्क एक्सपेंस होगा, तो 8,000 20% वेजेस की जो अमाउंट है उसका 20% ले लेना है, तो वो 8,000 आ गया। फिर आपको बताया था ऑफिस एक्सपेंस 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट मतलब फैक्ट्री के एक्सपेंस, फैक्ट्री के जो भी टोटल एक्सपेंस आएगा उसका 10% ऑफिस एक्सपेंस है। तो ये लोगों ने क्वेश्चन में ही बता दिया है, देखो ये मटेरियल फैक्ट्री का एक्सपेंस है, वेजेस फैक्ट्री का है, डायरेक्ट एक्सपेंस फैक्ट्री का रिलेटेड है, डेप्रिसिएशन फैक्ट्री रिलेटेड है, अदर वर्क एक्सपेंस 8,000 फैक्ट्री का रिलेटेड, तो इन सबका टोटल करो आप, तो वो होगा 1,83,000। 1,83,000 जो आया है वो वर्क कॉस्ट है, उसका 10%, उसका 10% जो आएगा दैट इज 18,300, दैट इज द ऑफिस एक्सपेंस। तो डायरेक्टली यहां पे इन्होंने बता दिया, तो सारे एक्सपेंस यहां पे हमने डेबिट साइड पे ले लिए। ये जो हाईलाइट किया है वो लिखना नहीं है, वो खाली बताने के लिए कि वर्क कॉस्ट इतना आया उसका 10%। वर्क सर्टिफाइड दिया है 3,00,000 रुपीज, इस 3,00,000 रुपीज को हम क्रेडिट साइड पे बताया गया, 3,00,000 रुपीज वर्क सर्टिफाइड। अब कितना अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा वो डिसाइड करना है, तो सबसे पहले हमें नोशनल प्रॉफिट या तो अकाउंटिंग प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा, कैसे फाइंड करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे, तो यहां पे थ्री लाख रुपीस क्रेडिट साइड का टोटल है, इस 3,00,000 रुपीस में से आप ये सारे एक्सपेंस माइनस कर दो, जितने भी एक्सपेंसेस दिए वो माइनस कर दो,
जिसका टोटल बन रहा है 2,01,300। तो 3 लाख में से 2,01,300 माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो 3 लाख माइनस 2,01,300 तो आएगा 98,700 आई थिंक सो, कितना अमाउंट आएगा, इनोशनल प्रॉफिट आ जाएगा, ये रहा दिया है। अब और मेटर क्या बताया क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ सर्टिफाइड इज 3 लाख, रिटेंशन मनी इज 20% ऑफ सर्टिफाइड वैल्यू, तो 20% ऑफ 3 लाख इज 60,000, तो बाकी का 2,40,000 हमें कैश मिला होगा। अच्छा, जो वर्क सर्टिफाइड होगा उसका हमें 80% मिलेगा, तो वर्क सर्टिफाइड कहाँ है, 3 लाख, उसका 20%। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन दे हैव कैलकुलेटेड प्रॉफिट बेस्ड ऑन द कैश एक्चुअली रिसीव्ड, सो अकाउंटिंग प्रॉफिट भले आ रहा है 98,700 बट 80% कैश इज रिसीव्ड, तो 80% दे हैव कैलकुलेटेड, सो द एक्चुअल प्रॉफिट 78,960 आ रहा है। आप इसको कैश रिसीव के हिसाब से काउंट करोगे तो यही आएगा वो फॉर्मूला के हिसाब से, बता देता हूँ फॉर्मूला वाला पॉइंट, वही चीज है, कुछ नया नहीं है, प्रेजेंटेशन अलग है। नोशनल प्रॉफिट लिखना है 98,700, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे कैश रिसीव्ड डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड, तो 98,700 आप उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, कैश रिसीव हमारा कितना आया था 2,40,000 आया था, उसको डिवाइड कर देना है वर्क सर्टिफाइड से 3 लाख से, वही चीज है, प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग बताया। तो ये अमाउंट आ रहा है मेरा कैलकुलेटर पे 78,960, वही चीज है जो अभी बताई थी, उन्होंने भी वही किया है, मतलब वो फॉर्मूला ही अप्लाई किया है। अब इसका 2/3 इसको मल्टीप्लाई कर देना है 2/3, बिकॉज द वर्क इज मोर देन 50% कंप्लीटेड, तो आंसर आ जाएगा 52,640। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे, वही चीज है जो बताई थी मैंने आपको, तो 52,640 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा और
रिमेनिंग अमाउंट आपका जो होगा वो रिजर्व में रहेगा, जिनको इन्होंने वर्किंग प्रोग्रेस अकाउंट क्रेडिट करना ऐसा बताया है, मतलब आप रिजर्व लिख सकते हो। ये हमारे काम का नहीं, दिस इज फॉर न्यू ईयर। तो दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट एंड दिस इज द बैलेंस अमाउंट रिटेन रिजर्व। So here we complete our contract account chapter. इसमें ज्यादा एक्सरसाइज में कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपका यूनिट नंबर 3 ऑलरेडी बहुत बड़ा है। प्रोसेस कॉस्टिंग भी देखना है, कॉस्ट शीट भी देखना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी देखना है, और अभी एक आगे सर्विस कॉस्टिंग भी इसमें है। तो वी आर टेकिंग ओनली द 3 एक्सरसाइज एंड टुडे वी कंप्लीट दिस क्लास। Now we will meet on the next class. Thank you.